सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजों की बेंच ने रोहित भल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई करते हुए ये डायरेक्शन दिया है कि दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है उसके लिए कॉमन पास पॉलिसी बनाए, क्योंकि जो दिल्ली और आसपास के शहर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं और उनके जानने वाले, और ऐसे भी होता है कि एक आदमी दिल्ली में काम करता है, रहता नोएडा में है, दिल्ली में काम करता है, रहता गुड़गांव में है, या गुड़गांव में काम करता है, रहता दिल्ली में है, तो कोई लोग गुड़गांव से नोएडा काम करते हैं, नोएडा से गुड़गांव में काम करते हैं, इस तरह से जो और भी शहर हैं एनसीआर में। अब उसमें क्या है कि व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग सरकारों से फिर पास बनवाने पड़ते हैं, क्योंकि हरियाणा ने भी बीच बीच में बॉर्डर सील किए हैं दिल्ली के साथ और उत्तर प्रदेश ने भी गाजियाबाद और नोएडा में, तो उसके चलते लोगों को परेशानी हो रही थी। और गुड़गांव के रहने वाले रोहित भल्ला ने ये मैटर जो है मई में फाइल किया था कि इस मामले में कोई पॉलिसी बनाई जाए, और अब 3 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ये कहा है कि एक कॉमन पॉलिसी बनाई जाए दिल्ली एनसीआर के लिए, तीनों दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर के, और इसके लिए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बोला गया है, और ये भी कहा गया है कि अगले एक वीक में मीटिंग करके और कोई ऐसा कॉमन पोर्टल बना दिया जाए जिससे कि एक ही पोर्टल से ऑनलाइन पास जनरेट हो और वो तीनों राज्यों में यानी कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी वो मान्य हो, और उसके उससे जो है जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है उनको परेशानियां ना उठानी पड़े। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल सोच भी है और प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, और देखते हैं शायद पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो मरीज हैं बहुत तेजी से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, और उसको देख करके सरकारें भी समय समय पर बॉर्डर सील कर रही है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें जो ऑनलाइन पास है, व्यक्ति अगर गुड़गांव वाला है और उसको अगर सोनीपत भी जाना है तो पता चलता है उसको कई जगह से दिल्ली में से गुजरना पड़ेगा, तो उस ऐसी स्थिति में उसको दिल्ली के लिए पास चाहिए, फिर किसी को अगर नोएडा की नोएडा तक जाना है तो फिर दिल्ली का भी चाहिए, यूपी का भी चाहिए, तो उस वैसी परिस्थितियों में एक ही पास पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए लागू होगा, मान्य होगा, और वो अगले एक वीक में के समय में जो है मीटिंग करके और ऐसा कुछ बना करके मुझे लगता है ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा।